हाँ जी, आपां पढ़ रहे सी डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा दा नावल इहो हमारा जीवना। इस नावल दे मुख पात्र रैण ते भानो। भानो जिहड़ी कि इस नावल दी त्रासदिक पात्र है, उसकी त्रासदी दा सिखर अज जो असी 14वां कांड पढ़न जा रहे हैं उस दे विच है। और ये 14वां कांड नावल दा आखरी कांड है। डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा दी जिहड़ी नावल कला है, जिवें मैं पहले एपीसोड दे विच कहा सी कि उसकी नावल कला की खूबसूरती यह है कि वह औरत मन की मनोवेदना पेश करन दे विच बहुत महारत रखती है। उसने जिन्ने भी नावल लिखे ने उन्हां सारे नावलों के विच औरत बारे, औरत की स्थिति बारे, औरत नाल मर्द प्रधान समाज वल्लों किए जाते तशद्दुद बारे बहुत सारे वेरवे जिहड़े आ वो प्राप्त होंदे ने। नावल इहो हमारा जीवना दे विच वी इस तरह दियां बहुत सारियां स्थितियां पेश कीतियां गईयां ने कि एक सधारण पेंडू औरत, निम्न किसानी नाल संबंधित औरत भानो, ता उम्र किस तरह दे संताप हंडाउंदी है और जिंदगी दे खलजगण विच्चों बाहर आउण दी कोशिश करन दे बावजूद भी वो इस दलदल दे विच मानसिक दबाव दी दलदल दे विच तसदी तुरी जांदी है। ये जिहड़ा नावल है ये अपने समयां दे विच जो उन्हां समयां दे विच औरत दी स्थिति सी उस नूं पेश करन वाला नावल है। यानी डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा ने इस गल की निशानदेही की है कि औरत की स्थिति मुढ़ कदीम तो ही बदतर चलती आ रही है। सिक्ख्या नाल बहुत सारे सुधार आए ने, लेकिन अजे भी बहुत कुछ है जिहड़ा औरत की बेहतरी लई करना बाकी है और औरत नूं उस बेहतरी नूं पैदा करन दे विच अपना योगदान पाउणा पवेगा। औरत नूं एक वस्त वांग अपने आप नूं पेश करन तों वरजणा होएगा, फिर किते जा के औरत दी जिहड़ी होंद है वह मर्द प्रधान समाज नूं स्वीकार करनी पएगी। सो आपां इस नावल दा 14वां ते आखरी कांड पढ़दे हां। दिन छिप गया, रात आ गई, रात लंघ गई, तड़का हो गया। पिछले एपीसोड देखिया कि नारायण जिहड़ा है वो भानो नूं चुबारे जाके समझा के आउंदा है भी मैं भागवंती नूं नहीं तां छड्ड दिंदा, पर क्योंकि भागवंती जिहड़ी हैगी है वह मुंडा लैके चली जाऊगी तो उहदे घर दे ने पैसे लैके गांह तोड़ देनी है, भी जे मुंडा ना हुंदा वारस ना हुंदा फिर मैं उन्हूं छड्ड देना सी। ये सारियां गल्लां करके उन्हूं समझा के बुझा के अपने वल्लों वो वापस आ जांदा है। रात लंघ जांदी है, तड़का हो जांदा है, अग्गे की वापरदा है। भानो नूं समझ नहीं सी आ रही वह सुती हुई है कि जागदी, गोहा कूड़ा करन लई भी अज हेठां ना उतरी, ना ही भागवंती ने उसनूं इसलिए हाक मारी। हुण हाक मारन की लोड़ नहीं रही सी क्योंकि भागवंती नारायण ने दसता सी मैं समझाता तो कल नूं आपां तोड़ देनी है, तोड़ देनी ना कहां जे मैं कहां कि घरों कढ देनी। हुण ये गल सारी जिहड़ी है भागवंती नूं रात नूं समझाती हो भी मैं उहनूं कहां कि कल नूं उह फत्तू आऊगा ते तैनूं उहदे नाल कढ देना करो। एक बार तो उसनू सारा घर हिलदा जिहा प्रतीत होया जिवें भूचाल आ गया होवे, फिर उसनू लग्या नहीं उसनू
आप नूं ही अंधाली जी आ गई सी। उसदे देखद्या देखद्या बिल्ली ने अलमारी उत्ते छाल मारी ते चिड़ी नूं मरोड़ के मूँह च लै के बाहर नूं नस गई। बिल्ली नूं शिशकिरन दी भी अज जिवें उसदे विच हिम्मत नहीं सी। उहनूं अपनी स्थिति भी उस चिड़ी वांग ही लग रही सी जिहनूं बिल्ली जिहड़ी है झपट मार के लै गई सी। भानों चाह पी लै, हेठां तों भगवंती ने हाक मारी। भानों हौली हौली पौड़ी उतरी, अद्धो सुधी दा दुध पा के चाह नाल एक परौंठा जिस उत्ते मखणी धरी हुई सी भागवंती उसदे अग्गे रख गई। अद्धो सुधी दा दुध पा के, भाव अद्धा दुध ते अद्धा पानी, बड़ी खरी चाह, वधिया चाह बना के नाल परौंठा ते मखणी रख के भागवंती जिहड़ी है उह भानों दे अग्गे रख गई। सारी कहानी पता है ना भागवंती नूं। भानों ने दो घुटा चाह दियां पीतियां, रोटी दी तां बुरकी किहड़ा अज उसदे लंघदी सी। अद्धा कु गलास पानी पी के चाह भी उसने कुत्ते अगे रख दिती। कुछ पल चुप कीती, काम करती फिर रही, भागवंती वल देखती रही। हाल है भागवंती छाप मेरे तो मुकली होगी, भानू ने उसनू छाप फड़ाउंदा कहा। जिहड़ी छाप नारायण ने मुंडे होए तो पाई सी उन्हें यह कह के वापस करती भागवंती नू कि मेरे तो मुकली होगी। मुकली होगी तो भाव खुली होगी, तू पाई रख दी, चंगा फिर तेरी इमानत है, जदों मर्जी आके लै जी। आखद्या भगवंती ने छाप लीर दे लड़ बन के संदूक में रख दी। भी छाप इहनू कदे इत्थे देनी है, जे आपे फड़ाई जांदे चुप करके रख लो। दुपहरे जिहे फत्ता आ गया, असी खूह नूं चलदे हाँ, तू भानो आ जी। आख नारायण अमली नूं नाल लै के तुर गया। फत्ते अमली नूं खेत लै गया ते भानू नूं कह के भी तू खेत आ जी, उत्थों तुरूगा, इत्थे तां आंढ गुआंढ वेखूगा ना। भानों साण मारिया वांग बैठी रही। भागवंती ने एक दो वारी काम छड के उस वल देखिया। नाल नूं रोटी ला दियां, उसने भानों नूं पुछया भी सफर हो तुर के जाना हो, नाल जिहड़ी रोटी पैक कर दें। नहीं, भानों उठ के बाहर चली गई। फिर अंदर मुड़ आई, बिना ही काम तो दो तीन वारी अंदर गई, दो तीन वारी बाहर आई। कुछ चाहिए, भागवंती ने पूछा। नहीं, फिर उड़ीकते होंगे भले मानस बैठे। भानों अंदर गई, टंगने उत्तों घगरा लाया, फिर पता नहीं की सोच के उत्ते ही धर दिता। घगरा पा के बाहर जाण दा जिहड़ा रिवाज सीगा उह इस गल दा संकेत सी कि जिहड़ियां औरतां शर्म हया रखदियां सी उह घगरा पा के बाहर जांदियां सी। सलवार कमीज़ पाया हुंदा सी, फिर घगरा वी उत्तों दी पा लैंदियां सी। टंगणे उत्तों घगरा लाया, फिर पता नहीं की सोच के उत्थे ही रख दिता। बाहर विहड़े च काला पिया अंगूठा चुंघ रहा सी। भानू ने उसका सिर पलोसिया ते कहा, कालिया मैं जानी हाँ पुत। बीच पहुँच के उसने एक बारी फिर मुड़ के घर वल देखिया। संती दे बार मुरे औड़की पर तुर पई। बिना घगरे तो बिना कुंड कढ़िया अज भानों सत विचों दी परदेसणा वांग लंघी जा रही सी। बिना घगरे तो बिना कुंड कढ़िया अज भानों सत विचों दी परदेसणा वांग लंघी जा रही सी। घगरा उन्हें इसे करके छड़ता कि हुण कादी शर्म हया, कादे रस्म रिवाज, जदों कोई जिंदगी दे विच कदर ही नहीं। इस तरह ये सी नावल इहो हमारा जीवना। डॉक्टर दलीप कौर टवाणा ने इस नावल दे विच जिस खूबसूरती नाल एक औरत दी त्रास जिंदगी नूं पेश कीता है वो लामिसाल है। इस तो अलावा इस नावल दी होर वड्डी खूबसूरती ये है कि इस विच पेंडू बोली दी जो वार्तालाप पेश कीती गई है उस दे राही बहुत सारे शब्द जिहड़े है वो साडे जबान तो उतरे हुए सी, वो साडी जबान ते चढ़ाउण दी कोशिश करदा भी ये नावल देखिया जा सकता है। बहुत सारे
ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਵਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦੁਗਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।